दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, नमाज पढ़ रहे बाप बेटे का कुत्ते ने करा ऐसा हार, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। आपको बता दें, नमाज दीन का सुकून है। मोहम्मद साहब का इरशाद है कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। हश्र में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। दीन इस्लाम का जो लाजमी चूज है, आज हम उससे दूर हो चुके हैं। इसलिए तो ये आफतें, ये अजाब, ये बीमारियां हम पर नाजिल हो रही हैं। कहते हैं कि नमाजी के लिए कायनात की हर शय दुआ करती है कि नमाजी को कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये हम इंसान बेवकूफ़ हैं जो नमाज और नमाजी का एहतराम भूल गए हैं। लेकिन जानवरों को आज भी पता है नमाजी का एहतराम क्या होता है। दोस्तों इसराइल से बड़ी ही प्यारी वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं फिलिस्तीनी बाप और बेटा जब नमाज अदा कर रहे थे कि एक यहूदी ने अपना खूंखार पालतू कुत्ता उन पर छोड़ दिया ताकि उनको काटने, कुत्ता काटने के लिए उस बाप और बेटे की तरफ गया जो नमाज अदा कर रहे थे, तो कुत्ता उनके पास भूज कर कुछ देर तक उन पर भौंकता रहा और फिर सुकून से गर्दन झुका कर वहीं बैठ गया और उनको नमाज पढ़ते हुए देखने लगा और फिर नमाजियों का उस खूंखार कुत्ते ने कुछ भी नहीं करा और वहां से चला गया। वहीं काफी लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि ये नमाज का करिश्मा है, अल्लाह अकबर। दोस्तों अगर हम आज से अहद करने के नमाज नहीं छोड़नी है तो यकीनन कोई भी आफत, कोई भी अजाब हम पर नहीं आ सकता। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा और पक्का नमाजी बना दे, आमीन। दोस्तों ये नमाज का करिश्मा है या नहीं कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।